हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप पबजी मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी बड़ा गेम खेलते हो तो आपकी फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड मैच के बीच में आता है नोटिफिकेशन की बैटरी खत्म हो गई, तो कितना ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन दोस्तों टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप अपने स्मार्टफोन में कर लोगे ना, उसके बाद दोस्तों आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ध्यान दोस्तों, पहले अगर 3-4 मैच में आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती थी तो ये सेटिंग करने के बाद आप 7-8 मैच तक कंटिन्यू अपने फोन की बैटरी को चला सकते हो। तो सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये सेटिंग ना नॉर्मली सभी स्मार्टफोन में आजकल मिल रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपके फोन में होगी या फिर नहीं होगी, सभी स्मार्टफोन में होगा। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आइए मैं आपको बताता हूँ वो पांचों कौन सी सेटिंग या फिर टिप्स है जिसकी वजह से आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा टाइम तक चला सकते हो गेम के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास कोई भी फोन हो सभी फोन में ये अवेलेबल होगा। अब दोस्तों सबसे पहला जो चीज है उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग में जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में दोस्तों आपको एक सेटिंग मिल जाती है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे से आपको एप्लीकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे जाके आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट कर देना है, ताकि जब आप गेम खेलो तो दोस्तों आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी अदर काम ना हो, मींस कोई भी अदर एप्लीकेशन रन ना करे। अगर कोई अदर एप्लीकेशन रन करेगा सो गाइस डेफिनेटली आपके फोन की बैटरी ज्यादा खत्म होगी, लेकिन अगर कोई और एप्लीकेशन या फिर कोई और चीज आपके फोन में रन नहीं होगी तो आपके फोन की बैटरी ज्यादा से ज्यादा चलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसे आप कर लो। एंड नॉर्मली दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन होते हैं ना, सभी में ये सेटिंग होती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। एंड जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज दोस्तों, काफी लोग जब भी गेम खेलते हैं ना तो हेडफोन का या फिर ईयरफोन का यूज नहीं करते, ऐसे ही खेलने लग जाते हैं स्पीकर का यूज करके। तो आपको बता दूं, जब भी अगर आप गेम खेल रहे हो एंड स्पीकर पे आपका मीन साउंड जो है, जो भी गेम का साउंड या फिर बोल सकते हो चैट कर रहे हो उसका साउंड आता है, तो आपके फोन के स्पीकर की वजह से ना आपके फोन की बैटरी 50% ज्यादा खत्म होती है। मतलब दो गेम में खत्म होने वाली बैटरी एक ही गेम में खत्म हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो हेडफोन लगाने का कितना ज्यादा फायदा है। एंड सबसे ज्यादा फायदा यह है दोस्तों कि आपको यार एनिमी की साउंड आएगी कि किस साइड से बंदा आ रहा है। वैसे नॉर्मली काफी लोग यूज करते हैं, बट मैंने देखा यार काफी लोग ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा चलाना चाहते हो ना, तो हमेशा यूज करो हेडफोन या फिर ईयरफोन का। इससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी पे काफी ज्यादा, मतलब कि बोल सकते हैं ना, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी एंड ज्यादा टाइम तक आप गेम का मजा ले पाओगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड चीज। एंड गाइस जो थर्ड चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब भी आप एक गेम खेलते होगे नॉर्मली, तो आपने नोटिस किया होगा आप जो ब्राइटनेस है वो पूरा 100% मींस करके खेलते हो, एंड ऐसे में दोस्तों आपके फोन की बैटरी, आपको भी पता है 100% ब्राइटनेस पे भाई 2-3 घंटे गेम खेलोगे ना बैटरी खत्म। 2-3 घंटे भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, जस्ट अगर नॉर्मली देखें तो 1-1.5 घंटे में ही बैटरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी आप अपने फोन में 100% ब्राइटनेस करके गेम मत खेलो, कभी भी गेम खेलो तो 50%, जहां दोस्तों 50% से ज्यादा अपने फोन में ब्राइटनेस मत करो। काफी लोग मैंने देखा है, यहाँ तक यार मेरी टीम में कई सारे बंदे जो अपने फोन में ना 100% ब्राइटनेस करके खेलते हैं पबजी मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी गेम। तो यार ज्यादा ब्राइटनेस करके खेलने का मतलब यह है फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी खिंचेगी एंड बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो ज्यादा टाइम तक गेम का मजा लेना, तो कभी भी फुल ब्राइटनेस मत करो। तो 50% बहुत ही ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा यूज मत करो। वैसे नाइट मोड में भी दोस्तों 50% ब्राइटनेस में आप इजीली खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं खुद यार 50% में खेलता हूँ इस वाले फोन में। सो आप सोच सकते हो यार कि आप लोग क्यों नहीं खेल सकते, खेल सकते हो, ऑब्वियसली बैटरी बचानी है तो ये करना पड़ेगा। एंड गाइस जो फोर्थ चीज है वो है पावर सेविंग मोड। जब भी आप गेम खेलो ना, अपने फोन में पावर सेविंग मोड ऑन कर लो। जा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यार 4-5 मैच में ज्यादा मैच खेलें एंड कंटिन्यू बिना रुके, तो दोस्तों पावर सेविंग मोड ऑन कर लो। क्योंकि अगर आप बिना पावर सेविंग मोड के खेलोगे तो मीन्स समझ लो हर जगह थोड़ा थोड़ा बैटरी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर पावर सेविंग मोड ऑन रहेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो बैटरी है वो सिर्फ और सिर्फ जो गेम खेल रहे हो ना उसी के पास जाएगा एंड कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा।
इसका मतलब यह है कि बॉडी पे काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा एंड काफी इजिली देर तक आप गेम का मजा ले सकते हो। सो ज्यादा देर तक गेम खेलना चाहते हो तो ये वाली टिप्स का यूज जरूर करना। यूज वाईफाई। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग मैंने नोटिस किया है दोस्तों अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट से खेलते हैं। यस, जिसके पास वाईफाई नहीं होगा तो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो अपने इंटरनेट से ही खेलेगा। बट दोस्तों, अगर आपके घर में वाईफाई है या फिर दो तीन फोन है तो आप उसका हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वाईफाई का यूज करो। इससे ये फायदा होगा दोस्तों, आपका जो नेटवर्क है ना वो ज्यादा बैटरी यूज नहीं करेगा। आपको बता दूं, आपका जो नेटवर्क होता है ना वो सर्चिंग करता रहता है, हर टाइम हर सेकेंड सर्चिंग करता रहता है। एंड ऐसे में दोस्तों आपके फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होती है। तो ऐसे में आप वाईफाई का यूज करोगे तो यार नेटवर्क का कोई लेन देना ही नहीं रहेगा, आप वाईफाई यूज कर रहे हो। सो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वाईफाई से काफी अच्छा गेम भी चलता है, लैग नहीं होता। एंड साथ ही साथ जो नेटवर्क होता है वो बार बार सर्चिंग होता रहता है, ऐसे में कई बार नेटवर्क स्लो भी हो जाता है, कई बार नॉर्मल चलता है, कई बार तेज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं आपकी फाइट हो रही है एंड ऐसे में आपका पिंग हाई आ गया तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन वाईफाई में ये दिक्कत नहीं आती। सो आप हमेशा ट्राई करो कि वाईफाई लूँ, एंड अगर वाईफाई नहीं है तो ऑब्वियसली आप नेट से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा टाइम तक अगर बैटरी बचाना चाहते हो तो वाईफाई का यूज़ करो। सो ये पांच टिप्स बोल सकते हो या फिर सेटिंग बोल सकते हो, ये यूज़ करोगे गेम के बीच में। सो गाइस, ऑब्वियसली आपके फ़ोन की जो बैटरी है ना पहले से बहुत ही ज़्यादा चलेगी। लाइक पहले अगर तीन मैच में ख़त्म होती थी तो इतना मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, पाँच से छः मैच में ये सेटिंग यूज़ करने के बाद ख़त्म होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपके फ़ोन के बैटरी में। सो एक बार ट्राई करो एंड नीचे आके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा फ़र्क नज़र आया। एंड वीडियो पसंद आई तो फटाफट यार इस वीडियो को लाइक मारो एंड हो सके तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।